सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है किस तरीके से आप ब्लैक बैकग्राउंड का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। जैसे कि आप इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर बहुत सारे ऐसा वीडियो देखे होंगे जिन वीडियो का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लैक होता है या बोल सकते हो डार्क होता है और साथ में बैकग्राउंड में लाइट वगैरह आता है, तो उस तरह ये वीडियो कैसे आप भी बना सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के लिए या किसी भी टाइप का अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो इस तरीके से तो कैसे बना सकते हो। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे बी एन एडिटर एप्लीकेशन, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो बी एन ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक वीडियो को एडिट किया था, सबसे पहले आपको वीडियो दिखाया था तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यह हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने ब्लैक किया, लेकिन इस वीडियो का जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है इस तरीके नहीं था और मैंने इसको एडिट करके इस तरीके से बनाया है। अगर आप भी अपना रील्स वीडियो इस तरीके से बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो इस वीडियो पर आपको पूरा प्रोसेस जानने के लिए मिल जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। और चलो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। ओके अब बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक प्लस आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड को सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। सो बैकग्राउंड सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। ये आप देख सकते हो आ चुका है बी एन एप्लीकेशन में। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सो आपको इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। अभी आपको अपनी बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बड़ा कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मैं इसका ड्यूरेशन इतना रखूँगा जैसे कि 15 सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 सेकेंड, तो ये 15 सेकेंड का हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को आपको फुल स्क्रीन करना है ताकि जो भी वीडियो हम एडिट करें इसके अंदर हमारा जो वीडियो वो फुल स्क्रीन बने। तो इसके लिए आपको ऊपर में ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा 9:16 एस्पेक्ट रेशियो, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो टैप टू एड स्टिकर स्लैश PIP, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ और इस इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो वहाँ से आप इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा आप देख सकते हो, सो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको पूरे स्क्रीन पर फिल कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो ये फिल हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है एंड एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग नाम का, सिंपली ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। सो ये आप देख सकते हो मिलता है स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिंपली कर देंगे डन। दोबारा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे जिसका बैकग्राउंड आप ब्लैक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से वॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फोल्डर से अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा। सो वीडियो आप देख सकते हो हमारा आ चुका है, अभी क्या करना है हमें अपने वीडियो को पूरे स्क्रीन पर इस तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, सॉरी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, सो आप देख सकते हो क्रोमा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्रोमा कहाँ पर है, नीचे अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो ये रहा क्रोमा, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पिकर दिखाई दे रहा है, इसको आपको जो भी चीज़ रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि हम इस वीडियो से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो हम इस पिकर को बैकग्राउंड पर रखेंगे। सो ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसके बाद इसका इंटेंसिटी आपको इंक्रीज करना है, सो अराउंड 60%, सो 60% कर लिया। उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हो फिल्टर, सिंपली फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है एडजस्ट पर, यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना अपनी मॉडल को। सो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और ब्राइटनेस को हमें इंक्रीज कर लेना है अराउंड 15%, सेचुरेशन को भी हमें इंक्रीज कर लेना है यहाँ से अराउंड 20%, और बिल्कुल एंड में आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा हाईलाइट, इसको भी आपको इंक्रीज करना है 10%, और यहाँ से शार्पन को भी आपको अपनी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है, लाइक शार्पन को हम 20% कर लेते हैं। ओके इतना सही है, अभी इसको कर देते हैं डन। सो अभी मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वीडियो बन चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में ब्लैक स्क्रीन वीडियो बना सकते हो या ब्लैक स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के लिए। अभी हमें अपनी वीडियो को सेव करना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे 4K। और यहाँ से आप जो है बाकी सेटिंग को देख लीजिएगा, जैसे कि FPS 60 और यहाँ से जो बिटरेट उसको हाई रखना है। नीचे आपको टिक मार्क ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।